फ्रेंड्स, मेरा नाम है कल्याणी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बायोग्राफी में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नेहा कक्कर जी के बारे में। जी हाँ, नेहा कक्कर ने अपने करियर की शुरुआत सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल से की थी। नेहा कक्कर यूट्यूब पर भी काफी सक्रिय है। नेहा का गाना मिले हो तुमको भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे हिट गानों में से एक गाना माना जाता है। अगर नेहा के फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो वह ऋषिकेश की एक मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखती है। सूत्रों की माने तो नेहा कक्कर ने अपने म्यूजिक करियर की शुरुआत माता के जगरातों में गाकर की थी। उनके अर्श से फर्श तक की कहानी काफी दिलचस्प है। तो चलिए जानते हैं नेहा कक्कर जी की सक्सेस स्टोरी। माता के जगराते में गाने वाली लड़की नेहा कक्कर कैसे बनी बॉलीवुड की मशहूर प्लेबैक सिंगर। नेहा कक्कर जी का जन्म 6 जून 1988 को देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड में हुआ। बाद में नेहा का परिवार दिल्ली में शिफ्ट हो गया। नेहा को बचपन से ही सिंगिंग का शौक था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह अपनी संगीत आइडल बड़ी बहन सोनू कक्कर को मानती है। नेहा ने अपनी बड़ी बहन सोनू कक्कर को गाते हुए देख गाना शुरू किया। नेहा बचपन से ही दिल्ली में माता के जागरण में गाया करती थी। नेहा बताती है कि कई बार वह माता की चौकी में ही गाते हुए सो जाती थी। इस तरह उनका बचपन म्यूजिक को एंजॉय करते हुए था। नेहा ने दिल्ली के न्यू होली पब्लिक स्कूल में से पढ़ाई की है। लेकिन उनके प्रशंसकों को यह बात जानकर काफी आश्चर्य होगा कि नेहा ने अपने स्कूल भी पूरा नहीं किया। उन्होंने केवल 11th क्लास तक पढ़ाई की है। वह इसलिए क्योंकि उसी समय नेहा का एग्जाम था जिस समय इंडियन आइडल में सिलेक्ट हो गई थी। नेहा को स्टडी और पैशन में से किसी एक को चुनना था। नेहा ने अपने फैशन को चुना और पढ़ाई का 11th स्टैंडर्ड में ही अलविदा कर दिया। नेहा कक्कर ने अपने करियर की शुरुआत 2006 में सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 2 से की थी। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, नेहा कक्कर ने पढ़ाई में क्विट करके अपने पैशन को चुना था और इंडियन आइडल में वह टॉप 5 में जगह बनाने में कामयाब भी रही थी। लेकिन उसके बाद वह फाइनल में हार गई। उस समय नेहा को काफी दुख हुआ था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद नेहा ने अपनी एक एल्बम निकाली नेहा द रॉक स्टार के नाम से। इस एल्बम के बाद वो जैसे नेहा को पंख लग गए थे। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में एक के बाद एक जबरदस्त हिट गाने दिए। इस बीच नेहा ने यूट्यूब पर भी अपने फैन फॉलोइंग को काफी ग्रो किया। नेहा ने यूट्यूब पर अपने सॉन्ग अपलोड करना शुरू कर दिया। यूट्यूब ने नेहा को रातोंरात सेलिब्रिटी बना दिया। नेहा का गाना मिले हो तुमको यूट्यूब पर बहुत बड़ा सुपर हिट रहा। आज उनके इस सॉन्ग पर 150 मिलियन व्यू है, जो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। नेहा लाइव शो भी करती है। अब तक करीब नेहा ने 1000 लाइव शो कर चुके हैं। नेहा को उनके फैंस से प्यार से इंडियन शकीरा के नाम से बुलाते हैं। YouTube पर एक अलग ही मुकाम हासिल करने वाली नेहा कक्कर को बड़ी सफलता तब मिली जब उन्होंने 2011 में कॉकटेल के लिए सेकेंड हैंड जवानी गाना गाया, जो कि उस समय के सबसे सुपरहिट गानों में से एक था। नेहा कक्कर की बिग सक्सेस के पीछे यूट्यूब का भी काफी बहुत बड़ा हाथ है। यूट्यूब पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, जो नेहा को काफी पसंद करते हैं। यूट्यूब पर उनके गाने शाहरुख एंथम और मिले हो तुम हमको जैसे सुपरहिट गानों ने नेहा को खास पहचान दिलवाई। आज आलम यह है कि हर म्यूजिक डायरेक्टर नेहा कक्कर के साथ काम करना चाहता है। नेहा कक्कर ने हिंदी फिल्मों के लिए बहुत सारे गाने गाए, जिनमें से बहुत सारे गाने लोकप्रिय भी हुए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, क्योंकि आज हमने जाना नेहा कक्कर जी के बारे में। अगर आपको ऐसे ही और वीडियो देखने हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हिंदी बायोग्राफी। अगर आपको हमारे वीडियो के बारे में कुछ बताना हो तो हमें कमेंट में बताइए। थैंक यू। वंदे।